गेंदबाजी करने का फैसला किया है। कमल के खिलाड़ी के बैट्समैन पहुंच चुके हैं, गेंदबाज जल्द से जल्द अपने पोजीशन को ले लें, मैच शुरू किया जाए, बैट्समैन जाएं। इतनी चर्चा किस बात की है, बहुत ज्यादा समय हो चुका है। इसके बाद तीन मैच आप जोड़ लीजिए, 12 बजेगा। किशोर जी याद है वो क्षण, 12 बजे मुकाबला हम लोग खत्म करके गए थे, 12:05 की आखिरी ट्रेन छूटी थी, रात को विरार स्टेशन पे गुजारना पड़ा, 3:25 की या 3:24 की सुबह वाली ट्रेन मिली। महावीर भाई मिले भी थे रात को, वो गवाह भी हैं कि हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। बहुत जबरदस्त फंसे थे हम लोग उस समय। लंबे लंबे बालों वाले जेके इस समय स्क्वायर लेग के क्षेत्र में फील्डिंग करने के लिए आते हुए, जेके जब हमारी तरफ देखे तो थोड़ा सा हम वहां पर सोचे कि क्या पहली गेंद, अच्छी गेंदबाजी यहां पे, खुद कैप्टन कमल भाई गेंदबाजी वहां पर कर रहे हैं, एक पे एक। देख भाई देख, टीम के ओनर्स का सम्मान कुछ शेष है यहाँ पर, मॉडर्न सिरेमिक के फैमिली मेंबर्स अगर मौजूद हैं, कंकू भाई, दौलत राम जी, तलेसरा परिवारजन मॉडर्न सिरेमिक से, दादा अगर आपकी फैमिली यहाँ पर उपस्थित हैं तो आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आ जाएं कृपया। आकाश मित सभी लोग जो भी हों यहाँ पे आ जाएं, दादा के फैमिली से। अच्छी गेंदबाजी, यहाँ पर एक कंपटीशन है, हम देखते हैं कि कौन सी टीम 25 मिनट में अपनी इनिंग को समाप्त कर लेती है। हो सकता है फेयर प्ले का जो अवार्ड है उस टीम को जाए। इस बार देखे, उठा दिया गेंद को, फील्डर उस ओर है, चलाक चतुर फील्डर है, इंतजार किया स्ट्राइकर एंड पे थ्रो करने की कोशिश, थ्रो थोड़ा सा अच्छा नहीं था, दो रन लेने से नहीं रोक पाएंगे, अच्छी फील्डिंग लेकिन कही जाएगी। थैंक यू मनोज जी। अंपायरिंग पैनल के लाभार्थी धाकड़ परिवारजन हमारे साथ मौजूद हैं, मैं रोशन लाल जी, स्वर्गीय अंबालाल जी, धाकड़ परिवारजनों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। जय भाई, विजय भाई, गौतम भाई मंच पर आ जाएं। महावीर प्लाईवुड सेंटर हैं हमारे अंपायर्स टीम के लाभार्थी, बहुत बहुत धन्यवाद सोलंकी परिवारजन, जन उन्हें सम्मानित करेंगे। के वहां पर कैच करने की कोशिश में बहुत दूर भागे थे लेकिन कैच तक नहीं पहुंच पाए, होता तो शानदार होता, उसी का नतीजा था कि वहां पर अगर प्रयास नहीं करते तो लोग कहते कि कैच के लिए जाना चाहिए था, और प्रयास किया, प्रयास अगर किया तो अगर नहीं रोक पाए तो लोग कहेंगे कि नहीं 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 वहां पर उन्हें सेव करना चाहिए था, रन बचाना चाहिए था। अब बताइए वो क्या करे, एक आदमी एक घोड़ी को लेके जा रहा था और घोड़ी पे वो आदमी भी बैठा था और उसका बच्चा भी बैठा था, लोग बोले दया नहीं आता, घोड़ी पे दोनों बैठे हैं, कितनी दुबली पतली है, बेचारा अपने उतर गया, बच्चे को बैठा दिया, बोले शर्म नहीं आती, अगर घोड़ी तेज भागी तो बच्चा गिर जाएगा, बच्चे को भी उतार दिया, बोले पागल है, घोड़ी लेके जा रहा है और उसके बाद न अपने बैठा है न बच्चे को, क्या फायदा है। तो कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, कहने वाले तो ये भी कहते हैं, कागज पे लिखी गजल, बकरी चबा गई शहर में हल्ला हुआ कि बकरी शेर खा गई, कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं। एक ओवर 9 रन बिना किसी नुकसान के दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। चेयर स्पॉन्सर भरत भाई, लालचंद जी, मांडोत परिवार जन यहां पर अगर मौजूद हैं तो कृपया मंच पर आ जाए। भावे जी अखिलेश भाई के बैग में, विकास ज्वेलर्स और परिवारजन, तारा देवी, पूनम चंद जी, हिरण परिवारजन अगर हमारे बीच मौजूद हैं तो मंच पर आ जाएं। सैंडी भाई एंड फैमिली,
विकास ज्वेलर्स एंड फैमिली, विकास ज्वेलर्स एंड फैमिली। और अगर सांखला सुपर किंग्स के परिवारजन हमारे साथ मौजूद हैं तो आप भी मंच की तरफ पधारे कृपया। शांताबाई, शांतिलाल जी, भारती, राकेश साहब, पिंकी, निर्मल जी, राज, कृष, प्रिंस, तनिष, साक्षी, सांखला परिवारजन, सन गोल्ड ज्वेलर्स, आप सभी मंच की तरफ आ जाएं। आकाश भाई, आकाश भाई आपको मंच पर आना है। आकाश तलेसरा, सन गोल्ड ज्वेलर्स के परिवारजन मंच की तरफ रुक कर रहे हैं। निर्मल भाई, आपके फैमिली मेंबर्स अवेलेबल हैं, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप भी उन्हें ज्वाइन कीजिए। निर्मल भाई का पूरा परिवारजन मंच पे मौजूद है और निर्मल भाई मैदान पर। चलिए निर्मल भाई भी आ गए। दूसरा ओवर चल रहा है, 12 रन बने किशोर जी। प्रिंस दो गेंद पे एक रन बना करके खेल रहे हैं प्रिंस तातेर, और 9 गेंद पे 11 रन, कहते हैं 9-2-11 होना। सुमित वड़ाला गेंद बल्ले पे नहीं आई, यहां पे चांस है, अकेले भाग रहे थे सुमित वड़ाला, जा रहे थे, आउट होकर के वापस जाना पड़ेगा सुमित वड़ाला को। कौन है वो? प्रिंस, प्रिंस आउट हुए भाई। परिवारजन आपका, सन गोल्ड ज्वेलर्स के सभी फैमिली मेंबर्स का तहे दिल से आभार, धन्यवाद, जय जिनेंद्र। अब तलेसरा परिवारजन, मॉडर्न सिरेमिक्स, दादा फैमिली मेंबर्स हैं। चलिए विकास भाई की फैमिली यहां पर अवेलेबल हैं तो उन्हें हम मंच पर आमंत्रित कर लेते हैं। विकास वॉरियर टीम के ओनर्स विकास ज्वेलर्स, तारा देवी, पूनम चंद जी, हिरण परिवारजन मंच पर अब कृपया पधारे। विकास ज्वेलर्स, इनमें कई सारे वीआईपीज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अरे जिला कोशिश उधर 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 मनोज भाई के पास। तारा देवी, पूनम चंद जी, हिरण परिवारजन हमारे मंच पर मौजूद, विकास वॉरियर टीम के ओनरशिप जिन्होंने स्वीकारी, आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मनोज जी जुपिटर वाले मिल गए शायद, जुपिटर वाले मिल गए, जुपिटर वाले हर्ष भाई छोड़ना किसका है? प्रीत का ना, तो प्रीत को बोलिए हमारे साथ रीत बना के रखेंगे, छोड़ना पड़ेगा हम लोगों को विरार स्टेशन तक। डन, थैंक यू। ये शॉट अच्छा है, रिवर्स केला, थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन।
जैन युवा शक्ति, जैन युवा शक्ति की प्रतिनिधि अगर मौजूद हैं, आपका सम्मान भी हमें मंच पर करना है। जैन युवा शक्ति, दो लगातार बाउंड्री और तीन ओवर के समाप्ति के बाद 22 रन एक विकेट के नुकसान पे पहले बल्लेबाजी करते हुए सांगला सुपर। अरविंद जी के परिवारजन अगर मौजूद है, अरविंद जी, सोहनलाल जी, जैन परिवारजन, महालक्ष्मी मसाला एंड ड्राई फ्रूट से 6 के लाभार्थी, आपका भी सम्मान अब तक शेष है, आप भी मंच के करीब आ जाएं। गेंदबाजी के लिए निखिल चौथे ओवर में आए गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन तीन ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन सांगला सुपर किंग्स। इस बार शॉट अच्छा है और गेंद को खेला मिड विकेट के क्षेत्र में, वहां पर जेके थोड़ा सा फंबल, नतीजा जहां था सिंगल वहां मिला डबल। डॉट बॉल अरविंद भाई, अगर आपकी फैमिली यहां पर मौजूद है, महालक्ष्मी मसाला एंड ड्राई फ्रूट्स, आप भी पधारे। फिलहाल मॉडर्न सिरेमिक तलेसरा परिवारजन मंच पर मौजूद, नरेश दादा और उनके सभी फैमिली मेंबर्स परिवारजन मंच पर मौजूद हैं। मॉडर्न सिरेमिक्स, मॉडर्न 11 स्टार्स टीम के टीम ओनर्स कंकुबाई दौलतराम जी तलेसरा परिवारजन। शुक्रिया तलेसरा परिवारजनों का, मॉडर्न सिरेमिक्स के सभी फैमिली मेंबर्स का। जैन युवा शक्ति, जैन युवा शक्ति के प्रतिनिधि अगर हमारे बीच है तो मंच पर आ जाएं। जैन युवा शक्ति,
जैन युवा शक्ति विरार। जैन युवा शक्ति के सभी प्रतिनिधि कुछ समय में मंच पर आएंगे, तब तक सोलंकी फैमिली चेयर्स है ही हमारे पास। मनोज जी, शायद ही मैं आज आपको मौका दे रहा हूं कमेंट्री का। जैन युवा शक्ति विरार के प्रतिनिधि अब एकजुट हो चुके हैं, कुछ आ रहे हैं। जी हाँ, अच्छा कैच मनन के द्वारा। जैन युवा शक्ति विरार के सभी युवा जो है वो मंच पर मौजूद है। आने वाले समय में इस प्रतियोगिता की जो जिम्मेदारी होगी वो इन सभी युवाओं के कंधों पर जरूर होगी। जैन प्रीमियर लीग का भविष्य जो है, जैन प्रीमियर लीग का भविष्य आप मंच पर देख रहे हैं। जो जिम्मेदारी राकेश भाई, नरेश दादा, दिगी भाई, सैंडी भाई, कमल भाई, इन्होंने स्वीकारी थी और निभा रहे हैं, और सारे मेरे कमिटी मेंबर्स, वो आने वाले समय में ये शख्स निभाएंगे, ये युवा निभाएंगे। इन सभी को सम्मानित करते हुए सोलंकी परिवारजन, जय श्री राम। आशीष जी डीजे बजा रहे हैं, जेके जी उनको बजा रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी, ये पक्के परफेक्ट ऑलराउंडर कोई है तो आशीष ही है, आशीष सेठिया। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, डीजे बजाना, स्कोरिंग करना, डांस करना, घर में काम कर, अरे जैन युवा शक्ति विरार अपने शॉप पे ऑफिस में काम करना भाई। आशीष जी को दुख हुआ लेकिन काफी लोग खुश हुए, उसमें वो लोग भी खुश हुए जिनका काम करने में हाथ बटाते हैं। क्या बात है जेके भाई। अरविंद भाई, आपकी फैमिली अगर तैयार है तो आप भी मंच पर आ सकते हैं। दरमियान हमारे शाम के नाश्ते के लाभार्थी भावना भूरलाल जी
मादरेचा परिवारजन, डिंपल भव्य मादरेचा, मनन भव्य मादरेचा, मेट्रो प्लाईवुड विरार, भावना भुरालाल जी मादरेचा परिवारजन कृपया मंच पर आ जाए। मेट्रो प्लाईवुड विरार। नितिन भाई दुग्गड़ का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। नितिन भाई आप क्रिकेट अब नहीं खेलते हैं, आपकी बॉलिंग बड़ी शानदार हुआ करती थी और जेपीएल का पहला सीजन, इस नारंगी ग्राउंड का पहला सीजन, पहले सीजन में मुझे विराट तक छोड़ने वाले यही शख्स हैं, मैं इनको कभी कैसे भूल सकता हूं, कभी नहीं भूल सकता। सिल्वर कॉइन के लाभार्थी कंचन भाई स्वर्गीय नानालाल जी सोलंकी परिवारजन, भावना सुरेश जी सोलंकी, जय प्रथम सोलंकी और विरार कमोल से हमारे परिवारजन, जय सूर्या किराना। अगर आप सभी परिवारजन मौजूद हैं तो मंच पर आ जाएं। दरमियान मेट्रो प्लाईवुड से मादरेचा परिवारजन हमारे बीच पधार रहे हैं। भावना भूरालाल जी मादरेचा परिवारजन, डिंपल भव्य मादरेचा, मनन भव्य मादरेचा, मेट्रो प्लाईवुड विरार। सभी मेट्रो प्लाईवुड्स के परिवारजनों का धन्यवाद, आभार, तहे दिल से शुक्रिया। की परिवारजन हमारे काफी करीब आ चुके थे, सोलंकी फैमिली अवेलेबल है, सोलंकी फैमिली जयसूर्या किराना सोलंकी परिवारजन, अब अगर आप यहां उपस्थित हैं तो कृपया मंच पर आ जाएं। सोलंकी फैमिली महालक्ष्मी मसाला एंड ड्राई फ्रूट्स, अरविंद भाई सोहन लाल जी जैन परिवारजन कृपया मंच पर आ जाएं। सोलंकी परिवारजन हमारे सिल्वर कॉइन के लाभार्थी, आपका भी इंतजार हमें होगा। साथ ही साथ भरत भाई लालचंद जी मांडोत परिवारजन, आपका भी इंतजार हमें होगा। करधर इलेक्ट्रिक हार्डवेयर एंड सिरेमिक्स के फैमिली मेंबर्स का भी हमें इंतजार होगा। चंदा मामा कैमरे में बिल्कुल देखते हुए, स्क्रीन पे देखिए चंदा मामा, आंखों से वो चल हो रहे हैं चंदा मामा, शानदार नजारा और स्टेज को भी कवर किया जा रहा है। किशोर जी बिल्कुल आप जमाई ले रहे हैं, थोड़ा सा वो दिख रहा है। नहीं नहीं आपने पकड़ लिया क्या? मुझे पकड़ नहीं लिया, कैमरा मैन ने पकड़ लिया। ओके थोड़ी सी झपकी किशोर जी आप ले रहे हैं। सिल्वर कॉइन के लाभार्थी जाग रहे हैं या सो रहे हैं? कंचन भाई स्वर्गीय नानालाल जी सोलंकी परिवारजन यहाँ है कि कहीं खो रहे हैं? जयसूर्या किराना से अगर आपके सभी परिवारजन मौजूद हैं तो कृपया आ जाएं।
नहीं तो मनोज भाई ऐसे ही मेरी टांग खींचते रहेंगे। सभी का स्वागत। जेके भाई इधर आ जाइए, बैट्समैन का नाम बताइए। जेके भाई बैट्समैन का नाम बताइए। नानी स्ट्राइकर बैट्समैन, पहली गेंद गिल्ली से टकराई, गिल्ली दिल्ली चली गई। ठुमक ठुमक न्यू बैट्समैन यहाँ पे आए, व्हाइट का इशारा, नाम भी नहीं पता हो पा रहा है। जय किशन किसी को भेजिए जिसको नाम पता है, जो आउट हो गए उनको भेज दीजिए। जेके जो आउट हो गए उनको भेज दीजिए। ये गेंद हम कह रहे थे जेके बल्लेबाज इसको ठीक से नहीं देखे, एक रन यहाँ पर मिल जाएगा। चाय की चाह है मयूर जी, आप यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, ये अच्छी गेंद। कपड़े कह रहे हैं आप, अच्छा है, लेकिन मैं कह दूं कि कपड़े छोड़ करके ये डीजे बजाएंगे इसका अर्थ बदल जाएगा। कितना शब्दों का हेर फेर है। पहले सेमीफाइनल में मंचापुरना रॉयल्स और मां स्टार्स के बीच भिड़त नजर आएगी। मां स्टार्स के कप्तान और मंचापुरा रॉयल्स के कप्तान, मैं आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा अगले मैच के टॉस के लिए। और कितने ओवर का होगा वो सैंडी भाई थोड़ा तय कर देंगे, कितने ओवर का होगा? 6 ओवर ही। मंचापुरा रॉयल्स और मास्टर्स के बीच के मुकाबले का टॉस, और टॉस के लाभार्थी महावीर टर्फ ग्रुप से प्रतिनिधि हमें साथ दे। मंचापुरना रॉयल्स और मास्टर्स
हाँ, फुल टॉस गेंद भी बल्ले पे नहीं आ रही है, रन बनाने हैं। 26 गेंद में 35 रन की अभी भी आवश्यकता है, 26 में 35 की आवश्यकता है। और अब एक गेंद और कम हो गई, एक रन कम हुआ, माफी चाहूंगा, 26 पे 34। जैसे धीरे धीरे गेंद आ रही वैसे बल्ला भी धीरे धीरे चल रहा है। सोसाइटी ग्रुप मंच पर मौजूद है मनोज भाई, राकेश भाई और परिवारजनों का, दोषी परिवारजनों का सम्मान होता हुआ। कमलाबाई स्वर्गीय लालचंद जी, दोषी परिवारजन मंच पर मौजूद। बैट्समैन कह रहे हैं वहां पे, क्या नाम है बैट्समैन का, मनन, मनन कह रहे हैं भागना, गेंद को नहीं देख रहे हैं कि गेंद उन्होंने कितना दूर खेल दिया है कि रन के लिए वो जाने वाले, गेंद तो वहीं उठी हुई है। मनन थोड़ा मनन करिए, चिंतन करिए, थोड़ा दूर खेलिए शरीर से। 24 गेंद पे 34 रन की आवश्यकता। राकेश दोषी जी और उनके परिवार को सम्मानित किया जा रहा है। थोड़ा सा कहना उचित नहीं होगा, लेकिन जब भी ये दोषी परिवार की बात आती है तो मुझे वो अंकल जी की यादें भी थोड़ी सी ताजा हो जाती हैं, जहन में आ जाती हैं। 24 पे 34। राकेश भाई अगले मैच के टॉस के लिए भी आपको मंच पर ही रुकना है। मास्टर्स और मंचापुरा रॉयल्स के बीच में होगा टॉस। भावेश भाई आप मंच पर आ जाए, भावेश भाई और महावीर टर्फ ग्रुप से प्रतिनिधि मंच पर आ जाए। महावीर टर्फ ग्रुप, मंचापुरा रॉयल्स जिनका मुकाबला मा स्टार्स के साथ, और ये सबसे अहम मुकाबला होगा अब तक का, पहला सेमीफाइनल। हवा में गेंद, फील्डर उस ओर भागते हुए नहीं पकड़ पाएंगे, एक रन मिला, दूसरे रन के लिए जाना चाहिए। लेकिन अब मुझे एक चीज, वाइड, टॉस, मंचापुरा रॉयल्स बनाम मा स्टार्स, और ये पहला सेमीफाइनल संस्करण 10 का। महावीर टर्फ ग्रुप से प्रतिनिधियों द्वारा टॉस किया गया, मा स्टार्स ने जीता टॉस और निर्णय लिया है। राकेश भाई पहले क्षेत्र रक्षण, मनोज भाई आपके कंप्यूटर में एंट्री कर लीजिए प्लीज। मा स्टार्स जीता टॉस, पहले क्षेत्र रक्षण, पहले सेमीफाइनल मुकाबले में। मा स्टार्स के सामने टीम जो है मास्टर्स एंड दूसरी टीम किशोर मंचापुरा रॉयल्स।
आपका वीडियो के लिए काम आएगा, रील बन जाएगी। अब जो सम्मान शेष है वो है सिल्वर कॉइन लाभार्थी सोलंकी परिवारजन यानी जयसूर्या किराना, आपका जो सम्मान है अब भी शेष है। और साथ ही साथ हमारे सिक्सर के लाभार्थी महालक्ष्मी मसाला एंड ड्राई फ्रूट्स, आपका सम्मान शेष है। लगभग अन्य सारे सम्मान जो है, हाँ और एक सम्मान वो है करधर इलेक्ट्रिक हार्डवेयर एंड सिरेमिक्स, आपके परिवारजनों का भी सम्मान शेष है। बिल्कुल। और किशोर जी 20 गेंद पे 30 रन की आवश्यकता यहाँ पे, लेकिन अब 19 पर 29, 12 रन बने हैं, 3 विकेट गिर चुके हैं, 2.5 ओवर का खेल हुआ है। 19 गेंद पे 29 रन की आवश्यकता है। गेंदबाज तैयार हैं, प्रकाश, प्रकाश के सामने नीलेश, नीलेश धाकड़, प्रकाश पामना गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए सामने नीलेश धाकड़, धाकड़ को धाकड़ गेंदबाजी करनी होगी, बल्लेबाजी करनी होगी, प्रकाश पामना को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। नानिशायकर इन पे जय किशन मैच का लुत्फ उठाते हुए, लंबे लंबे वालों वाले स्टाइलिश खिलाड़ी, प्रकाश किए गेंद नीलेश के लिए, चकमा देने की कोशिश, अब स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा, वीक रन और टीम के खाते में। तो इस समय कमल के खिलाड़ी 13/3, 19 गेंद पे 28 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। जयसूर्या किराना के परिवारजनों को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, कंचन भाई स्वर्गीय नानालाल जी सोलंकी परिवारजन, भावना सुरेश जी सोलंकी, जय प्रथम सोलंकी विरार कमोल क्षेत्र से। सॉरी टू इंटरप्ट किशोर जी, धवल जी आप आए तुरंत स्कोरर से मिले, धवल आशीष डीजे, अठारह पे 27 यहां पर आवश्यकता कमल के खिलाड़ी की टीम को, 18 गेंद पे 27 की, गेंदबाज राज सांकला, राज के सामने नीलेश धाकड़, हाथों से छूटी है गेंद, दो लगातार वाइड, राज सांकला। जयसूर्या किराना और सभी सोलंकी परिवारजनों का तहे दिल से शुक्रिया। अब महालक्ष्मी मसाला एंड ड्राई फ्रूट्स के हमारे परिवारजन, मुझे लगता है ये सारे जब तक महालक्ष्मी सिक्सर जड़े नहीं जाते तब तक नहीं आएंगे, क्योंकि तब तक तो हमें उनका उनको आवाज देना ही है। अरविंद भाई आप जैसे ही रेडी हो जाए हमें इशारा दे दीजिएगा, आपका और आपके परिवारजनों का सम्मान शेष है। बहुत देर के बाद किशोर जी कमेंट्री बॉक्स में वापस आते हुए, मुकाबला भी दिलचस्प है, 16 गेंद पे 25 रन की आवश्यकता है। किशोर जी जबरदस्त ये मुकाबला देखने को मिल रहा है, इस बार फाइनल के क्षेत्र में गेंद को खेलना चाहते थे, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद गई, सिंगल लिया, दूसरे रन के लिए नहीं जाएंगे। पंद्रह पे चौबीस
इस बार शॉट अच्छा है, गेंद हवा में, फील्डर उस ओर भागते हुए और आखिरी समय में आइसक्रीम की आखिरी कश बच्चा मुंह में लगा रहा था, थोड़ा थोड़ा स्वाद आ रहा था, आइसक्रीम के कश टूट करके नीचे गिरी है, केवल डंडी मुंह में लगी है। किशोर जी 13 गेंद और 20 रन की आवश्यकता। मनोज जी आइसक्रीम का नाम सुन के कुछ बच्चे कमेंट्री बॉक्स की दिशा में आ रहे हैं, आप अब देख लीजिए आगे क्या करना है। यार आइसक्रीम यहाँ पे नहीं बट रही है, लकी डॉग के कूपन की बात है, बच्चे सोच रहे हैं आपने। देखिए अगर बच्चों को बुलाना हो ना तो मैं अभी भी बता सकता हूँ। किशोर जी फिलहाल ओवर क्या समाप्त हुआ यहाँ पे? नहीं, रिव्यू लिया गया है। 13 गेंद पे 20 रन की आवश्यकता है। किस बात पे चर्चा है? थोड़ी सी वहां पे खेल रुका हुआ है और अंपायर को, अंपायर ही रिव्यू अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बाकी खिलाड़ी के लिए नहीं है। जहां तक आशा है मुझे, जहां तक मैं जानता हूं, किसी भी फील्डर के लिए कुछ नहीं है वहां पे। कमिटी मेंबर्स, अंपायर्स, खिलाड़ियों के बीच में हुई, कमल जी ने कुछ सिग्नल दिया, शायद ये गो अहेड का सिग्नल है। मुकाबला अब जारी नजर आता हुआ, स्कोर हम एक बार मनोज जी दोहरा देते हैं, 12 गेंदों में आप 20 रनों की, 12 में 20 और 24 में 21 बने हैं किशोर जी, यानी कि चार ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन 4 विकेट के नुकसान पे और 12 में 20, लेकिन बैट्स तेजस नीलेश धाकड़ को धाकड़ बल्लेबाजी करनी होगी। 4-2 से काम नहीं चलेगा, गेंद लेग स्टंप की तरफ थी, उसे खेलने की कोशिश किया था बल्लेबाज ने, लाइन मिस किया, 1 रन। 11-19 कमल के खिलाड़ी वर्सेस सांकला सुपर किंग्स के बीच का यह मुकाबला, ज्यादा लक्ष्य नहीं है लेकिन 41 भी कम नहीं होता। इस बार 1 रन मिला, दूसरे रन के लिए पलटे हैं, थोड़ा सा मिसफील्ड नतीजा, जहां थोड़ा फंबल हुआ, फंबल तो सिंगल सीधे बदल गया डबल में, 10-17 क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे। पहले सेमीफाइनल का टॉस भी हो चुका है, अभी 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल मुकाबला बचा हुआ है। किशोर जी बहुत ज्यादा समय लिया गया है इन मैचेस में अगर देखा जाए तो। इस बार क्लीन बॉल यार करा दिया, बल्ला चला था लेकिन गेंद बल्ले पे आई नहीं तो रूठी रहे, मैं मनाता रहूं, सिलसिला ये जारी है, उस पर गेंदबाज का कहर भारी है। चौबीस बने हैं 5 विकेटों के पतन पर, 9 गेंदों में 17 की दरकार। स्ट्राइक पर कमल पूल कर दिया है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पर तैनात है, एक से ज्यादा मिलना मुश्किल। एक ही रन कोशिश तो वहां पर किया था और बहुत अच्छा ये शॉट खेलते हैं, चलती है गाड़ी तो उड़ती है धूल और जबरदस्त मजा आता है जब कमल खेलते हैं पुल। अब कमल भाई अगर बल्लेबाजी कर रहे हैं तो तारीफें तो बनती हैं मनोज भाई, तारीफें तो बनती है लेकिन वाइट का इधर इशारा उनके लिए, तो मैं यही कहता हूं ना हमेशा किशोर जी इतने गोरे हैं कि फेयर एंड लवली वाला इनका घर छोड़ करके बाकी सब जगह जाएगा,
वो भी शर्मा जाता है इनके आगे। वैसे भी मनोज भाई मैंने देखा है आपको कई बार सुना है मिड विकेट के क्षेत्र में प्रहार किया है। ओहो अब कहे तो क्या कहे, प्रयास बेहतरीन, अच्छी कोशिश की सोच जी, क्योंकि बहुत लंबी दौड़ लगानी थी वहां पर, इतना आसान नहीं होता है। और राइट हैंडेड अगर आप हैं और आपको लिफ्ट में जाकर के कैच करना होता है, रिवर्स स्वीप और स्विच हिट बहुत अच्छा खेल रहे हैं ये बल्लेबाज। भले वहां पर सिंगल डबल ही मिल रहा है लेकिन अब आंकड़े समीकरण बदल गए, 6-12 6-12 मुकाबला कमल के खिलाड़ी और सांखला सुपर किंग्स के बीच। 6-12 6-12 किशोर जी क्या लगता है कौन सी टीम, बैटिंग या फील्डिंग? कमेंटेटर्स को हमेशा निष्पक्ष रहना होता है मनोज जी, दोनों टीमों का हौसला बढ़ाना होता है। मेरे नजरिए से दोनों मुकाबले और दोनों जो प्रतिस्पर्धी हैं मुकाबले में अब भी बैलेंस है, यहां से दोनों संघों को मौका है कि जीत हासिल कर सकते हैं इस समय। जो आपका जवाब जो है वो मुझे ये बता रहा है कि या तो आप कमेंट्री करते करते ही बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं या उसके बाद इरादा अपना बना लिया है कि बीजेपी ज्वाइन करेंगे, इतना सटीक जवाब वही दे सकते हैं। 6-12 किशोर जी, 6-12 बॉलर केविन, केविन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। केविन को अपने केविन में बंद करना होगा इस बल्लेबाज को, लेकिन ये बल्लेबाज इतना आसान नहीं है, नाम ही है धाकड़, नीलेश धाकड़। नीलेश सामना केविन से, राउंड द विकेट, पटकी हुई गेंद, वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन। मनोज जी ये अतिरिक्त रन बहुत घातक होते हैं और ये बिन बुलाए मेहमान जैसे होते हैं, बहुत खर्चा दे देते हैं ये अतिरिक्त रन। मेहमानों से परेशान सावधान किशोर जी, लेकिन ये बल्लेबाजी बहुत जबरदस्त है। क्या खाखड़ा क्या पापड़ बल्लेबाज है नीलेश धाकड़, फील्डर वहां पर फिसल गए, गेंद को उठाने की कोशिश कर रहे थे फिसल गए, दो रन लेने का वहां पर अवसर, दो रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 32 पे 5 गेंद पे 9 रन की आवश्यकता कमल के खिलाड़ी की टीम को। 5 गेंदे 9 रन और कुछ दादी माँ और नानी ना साफ मुझे आवाज आ रही है राम 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 राम, जप जाप करना यहाँ पर शुरू हो चुका है मनोज जी। बिल्कुल करना शुरू हो चुका है क्योंकि अपनी अपनी टीमों के लिए लोग अपने इष्ट को याद कर रहे हैं। 5 गेंद पे 9 रन की आवश्यकता है। इस बार लेग स्टंप पर भटकती हुई गेंद, खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, फाइन लेग के क्षेत्र में गेंद गई है, फील्डर उस ओर भागते हुए दूसरे रन की तलाश है, रन आउट का यहाँ पे चांस है, थोड़ा सा पीछे रह गए या क्या कुछ है, पहुंच गए हैं 25 का इंतजार करेगा किशोर जी। एक और डॉट गेंद, मेरी कुछ बहनों ने एक आंख बंद कर ली है, दूसरे आंख से मुकाबला ये देख रही हैं। इतना ज्यादा टेंशन तो उन्हें अनुपमा सीरियल देखते हुए भी नहीं होता था जितना अब हो रहा है। आप सीरियल देखते हैं? जी मैं बिल्कुल नहीं देखता। पक्का है मजबूरी में देखना पड़ता है आपको घर पे, लेकिन 3 गेंद पे 7 रन की आवश्यकता है किशोर जी। मैच बहुत दिलचस्प है, सीरियल का आपका नॉलेज भी बहुत दिलचस्प है। अगली गेंद, वाइड का इशारा यानी अब 3 गेंदों में 6 जरूरी 3 गेंदे 6 जरूरी 3 पे 6 दोनों के सपोर्टर समर्थक के यहाँ पे बैठे हैं कमेंट्री बॉक्स में, धक धक दोनों का दिल कर रहा है, दोनों एक दूसरे के सीने पे हाथ रखे हुए एक दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं। अच्छा है कि दादाजी दादी के बगल में नहीं बैठते, क्योंकि दादी को आदत है ऐसा कुछ हो जाए डॉट गेंद चली जाती है तो दादी बगल में बैठे हुए को मुक्का मार देती है, आज दादाजी सुरक्षित है 35 पर 5। ऐसे ही भारत पर और जब ऑस्ट्रेलिया का वो फाइनल मुकाबला हो रहा था तब किशोर जी बैठे थे बगल में, मैडम जी भी बैठी थी उनकी, वो बयां कर रहे हैं किशोर जी मुकाबला दिलचस्प। 2 पे 5 2 गेंदे 5 रन
एक्शन, ड्रामा, इमोशन सब कुछ जैन प्रीमियर लीग संस्करण 10 में। एक और वाइड, वाइड वाइड, और ये इतनी बड़ी वाइड थी कि वाइड की गेंद भी कहेगी आप मुझे वाइड ना कहे, ये तो वाइड से और ज्यादा कुछ है। अगली गेंद, दो गेंदे चार, दो पे चार, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, क्या होगा, दो गेंदों के बाद समाचार। डॉट गेंद, एक पे चार, बात बात वो नहीं है, कमल भाई ने ही नियम बनाया है, कंपल्सरी चेस, कंपल्सरी चेस। अब कमल जो है थोड़ा सा तालाब में तैरते तैरते नीलेश भाई की तरफ पहुंच गए, गुरु मंत्र दिया, एक गेंद चार रन शेष, पराज ज्वेलर चौका या फिर महालक्ष्मी मसाला एंड ड्राई फ्रूट सिक्सर या फिर डॉट या फिर विकेट, आखिरी गेंद, शॉट बेहतर है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, गेंद हाथों में आई, पहला रन तेजी के साथ, और ये मुकाबला जीता है टीम सांखला सुपर किंग्स ने, अभिनंदन टीम।